विधायक इरफान अंसारी ने सदन के अंदर देवघर सिविल सर्जन को लेकर कहा था कि वह आरएसएस का एजेंट है, जिस पर भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी को आईएसआई और स्लीपर सेल एजेंट कहा। हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि एक सिविल सर्जन को इरफान अंसारी ने आरएसएस का एजेंट बताया है। एक सिविल सर्जन अगर आरएसएस की शाखा में जाता है तो क्या यह राष्ट्र विरोधी गतिविधि है? लेकिन हमारे पास प्रमाण है, इरफान अंसारी को आईएसआई स्लीपर सेल झारखंड के एजेंट है। इसकी जांच सरकार एनआईए से करवा ले। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आज तक उस पर किसी ने उंगली उठाने का काम नहीं किया। एक सिविल सर्जन को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक सर्विसमैन को आप आरएसएस के कटघरे में खड़ा करते हैं। इसी पर हमने कहा कि जब संघ के लोगों, संघ का होना मतलब उसको सरकार में नहीं होना, यह बात साबित करता है कि इरफान अंसारी जो है ये आईएसआई का स्लीपर सेल का एजेंट है। प्रूफ तो एनआईए के जांच करवाए ना सरकार। कल हमने सीना ठोक करके कहा कि ये स्लीपर सेल के एजेंट है। अगर सरकार में हिम्मत है, कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो एनआईए के जांच के लिए यहां से रिकमेंड करें और प्रूफ होगा कि वो आईएसआई के स्लीपर सेल का एजेंट है। वहीं जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भानु प्रताप शाही को झारखंडी उग्रवादी बताया और कहा कि यह सबसे बड़ा लुटेरा है जो स्वास्थ्य विभाग में अरबों रुपए लूट लिया, जिसकी जांच होनी चाहिए। अब हमारी सरकार में इसकी फाइल खोली जाएगी। भानु प्रताप शाही को सदन में नहीं जेल में होना चाहिए। देखिए, भानु प्रताप जो है, मुझे लगा था कि ये लोग सदन में आए हैं, पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। ये लोग लुटेरा लोग हैं। गरीब का पैसा, आदिवासियों का पैसा, अल्पसंख्यकों का पैसा गबन कर लिया, लूट लिया। स्वास्थ्य मंत्री रहा, गबन के आरोप हैं, कई गंभीर आरोप हैं। और भानु प्रताप को थैंक्स बोलना चाहिए मुझे कि मैंने अभी तक इनकी फाइल को नहीं खुलवाया। जिस दिन फाइल मैं खुलवा दूंगा, भानु प्रताप आपके बीच नहीं होंगे, ये सलाखों के बीच होंगे। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। इस सदन है कि मजाक का खड़ा नहीं है। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान, कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर जा, 1 रुपया में माफ करा।